एक हमें सरफेस एरिया और ऐसे लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये तीन चीजें हैं हमारे पास डिफरेंट सॉलिड्स के लिए, और किसी भी सॉलिड के किसी भी फॉर्मूला की जरूरत हमें अब क्वेश्चंस के अंदर पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, तो किसी भी सॉलिड की बात हम कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद क्यूब, देन वी विल गो फॉर क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। यही हमारे पास बेसिक सॉलिड्स हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एल क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया व्हाट इज इट, 4L² एंड टोटल सरफेस एरिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ये समझना कि ये 4L² 6L², ये चीजें आ कहाँ से रही हैं। जब आप एक क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में हाउ मेनी सर्फेसेस आते हैं, 6 सर्फेस। क्यूब की अगर मैं बात करती हूँ, लेंथ ब्रेड हाइट सब सेम, ये इस तरह की आपके पास क्यूब है, क्यूब का हर एक सर्फेस क्या है, स्क्वायर है, जिसकी साइड लेंथ एल है। तो अगर मैं एक सरफेस की बात करूं तो उसका एरिया एल स्क्वायर, ऐसे 6 फेसेस हैं यहाँ पर, सो टोटल एरिया की बात करो तो 6L². जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया, जब हम क्यूब या क्यूबॉइड की बात करते हैं तो हम उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड नहीं, क्योंकि अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी कोई कर्व्ड फेस नहीं है, सारे के सारे फ्लैट फेसेस हैं आपके पास। जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हमने एरिया कहा 4L², तो कौन से 2 फेजेस हैं जो हम कंसिडर नहीं करते हैं? हाँ जी, विच 2 फेसेस वी डू नॉट कंसिडर, टॉप एंड बॉटम, ये 2 चीजें हम कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी के 4 फेज हम कंसिडर कर रहे हैं। हर एक का एरिया L², सो 4L² इज योर कर्व सर्फेस एरिया एंड टोटल सर्फेस एरिया इज 6L². नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूबॉइड, तीनों डायमेंशन। अच्छा, अगर एक बात बता दो, इफ आई हैव एल इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू एच, विल इट बी अ क्यूब और अ क्यूबॉइड? क्यूब है या क्यूबॉइड है? याद है, वहां से वो जरा वो दे देना, वो अटैची जिसमें वो पड़े हैं क्यूब वगैरह, वो सारा दे देना। हाँ जी, एल इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू एच, सो दिस इज अ, वो जो पड़े ना अगर वो सिलेंडर वो, हाँ वो दे, तो दिस विल बी अ क्यूबॉइड, और एल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू एच, तब तो पता ही है कि क्यूबॉइड, तीनों इक्वल होंगे तभी क्यूब बनती है, अगर कोई भी 2 इक्वल और तीसरा अनइक्वल है तो वो क्यूब की कैटेगरी में नहीं आएगा, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम एल बी एच, यहां बोलिए जी, कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 × 10⁻³ LB, टॉप और बॉटम, जब हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो उसमें भी टॉप और बॉटम छोड़ देना है हमने, टॉप है L × B, बॉटम है L × B, तो 2 × LB + BH + HL, ये था मेरे पास टोटल सरफेस एरिया, इसमें से ये L × B वाला निकल जाएगा क्योंकि टॉप और बॉटम छोड़ने हैं, तो ये मेरे पास फॉर्मूला 2 × BH + HL, इसमें से आप H को अगर कॉमन निकाल देंगे तो 2² ऑफ B + L, ठीक है जी। तीसरा है हमारे पास, सिलेंडर, हाँ जी, ये है हमारे पास सिलेंडर। अब सिलेंडर में आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर IR²H। कर्व्ड सरफेस एरिया की जब हम बात करें तो किस सरफेस की बात करें, पहले तो ये बताओ सिलेंडर में कितने सरफेसेस हैं, हाउ मेनी सरफेसेस डज दिस हैव, जैसे क्यूब में 6 सरफेसेस थे, क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस थे, इसमें कितने सरफेसेस हैं, 2 और 3? देयर आर 3 सरफेसेस, वन इज दिस कर्व्ड पार्ट एंड 2 आर दीज फ्लैट पार्ट्स विच आर सर्कल्स, ठीक है जी। तो जब भी मुझे इसके बारे में बात करनी रहेगी, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया।
और जब मैं टोटल की बात करूंगी तो उसमें ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा। मैं क्यों डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत बार आपको यही समझ में नहीं आता कि कर्व सरफेस की बात करनी है या टोटल की बात करनी है, या कई बार ऐसे भी हो सकता है कि एक कर्व की बात हो रही हो, एक फ्लैट सरफेस नहीं लेना हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपको एक सिलेंड्रिकल पेन स्टैंड बनाना है, अगर पेन स्टैंड बनाना है तो पेन स्टैंड बनाने के लिए ये पार्ट चाहिए और एक बेस चाहिए, एक नहीं चाहिए। एक तरफ से तो ओपन होगा ना पेन स्टैंड, एक तरफ से क्लोज्ड होगा। सो यू शुड बी एबल टू इमेजिन कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, किस चीज की जरूरत है। कई बार फॉर्मूले भी आते हैं, सब कुछ मालूम है, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा कि लगाना क्या है। सो दैट शुड नॉट बी दी कंडीशन, राइट? तो जब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इसमें एक कर्व्ड सरफेस है और दो फ्लैट सरफेसेस हैं। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच। आई एम राइटिंग इट एज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये डिफरेंशिएट करके समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पाई आर एच ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, अगर मैं सबको कंबाइन कर दूं तो आया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें से अगर मैं 2 पाई आर को बाहर निकाल दूं तो एच प्लस आर। ये फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बना कहाँ से है, क्या क्या कंपोनेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, नेक्स्ट हमने बात करनी है कोण की। हाँ जी, जब हम बात कर रहे हैं कोण की, ये है मेरे पास कोण। अब कोण में बोलो जी कितने सर्फेसेस हैं, हाउ मेनी सर्फेसेस डज दिस हैव? टू सर्फेसेस, वन कर्व्ड सर्फेस एंड वन सर्फेस फ्लैट सर्फेस। फिर से कैसा है आपका? सर्कुलर, ठीक है जी। तो दो सर्फेसेस हैं यहाँ पर, कर्व्ड एज वेल एज फ्लैट सर्फेस। वॉल्यूम क्या होती है जी कोण की? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास एक सिलेंडर और एक कोन सेम डाइमेंशंस के हैं, व्हेन आई से डाइमेंशन आई मीन वेयर रेडियस एंड हाइट आर सेम, तो सिलेंडर की वॉल्यूम 3 टाइम्स होगी कोन की वॉल्यूम के, या मैं कहूं कोन की वॉल्यूम 1/3 होगी एज कंपेयर्ड टू सिलेंडर। हाँ जी, अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? पाई पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया, आई अगेन राइट इट एज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया जो कि सर्कल था, इसमें से अगर आप पाई आर को बाहर निकाल देते हैं तो बचा एल प्लस आर। यहां पर ये एल क्या है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, हाउ टू फाइंड दिस एल। कोन की अगर हम बात करते हैं, इफ आई रिप्रेजेंट कोन ऑन द बोर्ड, ये आपके पास एच स्ट्रेट हाइट, ये रेडियस और ये है स्लांट हाइट। और आपने बुक्स में पढ़ा होगा, हम हमेशा क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन। व्हाई डू वी कॉल इट टू बी राइट सर्कुलर कोन, ऐसा क्यों? एक्सिस है ये, बेस पर 90 डिग्री है, और बेस कैसा है? सर्कुलर। दैट इज वाई द नेम राइट सर्कुलर कोन। अब यहां पर एल आर और एच राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बन रहे हैं, जिसमें एल एज हाइपोटेन्यूज जा रहा है, ये रेडियस और हाइट आपके लेग्स हैं ट्राइंगल के। सो एक और फॉर्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार हमें यूज करना पड़ता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस, सिंपल, कोई भी दो चीज दे रखी हो तीसरी निकालनी हो, सो वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। देन कम्स योर स्फीयर। स्फीयर का हाउ मेनी सर्फेसेस डज द स्फीयर हैव? ये है मेरे पास स्फीयर, कितने सर्फेसेस हैं? वन वन सर्फेस। कर्व्ड सर्फेस है कि फ्लैट सर्फेस है? ओनली कर्व्ड सर्फेस, दिस इज द ओनली सॉलिड जहां जो हम यहां पर बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी फ्लैट सर्फेस नहीं है। ऑल आर कर्व्ड सर्फेसेस, ओनली वन सर्फेस विच इज कर्व्ड सर्फेस। बताइए जी इसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज द कर्व्ड सर्फेस एरिया? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया?
क्योंकि जितना भी इसका सरफेस है वो है ही सिर्फ सॉल्ट, इसीलिए ये एक ऐसा सॉलिड है जिसके सी एस से और टी एस से में कोई फर्क नहीं है, वन एंड द सेम थिंग। नाउ लेट अस कम टू हेमीस्फीयर। बोलिए जी, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, ये हमारा हेमीस्फीयर है, आधा कर दिया हमने, राइट फ्रॉम द मिडिल आई हैव कट माई स्फीयर टू गेट दिस हेमीस्फीयर, सो वॉल्यूम ऑब्वियसली आधा हो जाएगा, 2/3 πr³। वॉट अबाउट सी एस ए? 2 πr² Now, in this hemisphere, is there one surface or are there two surfaces? Two surfaces. One is flat surface, which is again a circle. ये जो आपको अपर पार्ट दिख रहा है ये आपका सर्कल, ये फ्लैट सर्फेस है, और ये जो है ये आपका कर्व्ड सर्फेस। सो टोटल सर्फेस एरिया में अब क्या क्या आएगा, एक तो ये जो आ गया 2 πr² कर्व्ड वाला, और एक ये फ्लैट वाला πr² एडिशन में, सो दिस सो दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज इन डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, अब दो बेसिक सी बातें और, जब भी हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो हम यूनिट्स कैसे लेते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, लीनियर यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स, कैसे यूनिट एरिया से? क्या मैं एरिया स्क्वायर का निकाल रही हूँ, रेक्टेंगल का निकाल रही हूँ, या तो फिर किसी सॉलिड का निकाल रही हूँ? सभी के एरिया स्क्वायर यूनिट में होते हैं, या जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्यूबिक यूनिट में चले जाता है एरिया? एरियाज आर ऑलवेज टेकन इन एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट्स यूज होते हैं, और वॉल्यूम्स के लिए क्यूबिक यूनिट्स, और लेंथ्स के लिए लीनियर, सेंटीमीटर, मीटर। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में चले जाएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चले जाएगा। एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं आपको बोलूं 1 meter लेंथ, कैन यू इमेजिन हाउ मच इज इट? हाँ, मतलब सबको आइडिया आ जाता है, इतना कह दो या इतना कह दो, एवरीबडी कैन इमेजिन, दिमाग में एक बात आ जाती है कि हाँ इतनी जो लेंथ है वो 1 meter होती है। नाउ इफ आई आस्क यू 1 meter² एरिया, बड़ी बार आप लिखते हो, करते ही आ रहे हो, छठी क्लास से लेके आज तक एरिया लिखते ही आ रहे हो कि इतना एरिया आ गया जी, 5 meter² आ गया जी, 10 meter² आ गया। 1 meter आपको समझ में भी आता है, इतनी लेंथ है, अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ है। इफ आई से 1 meter² एरिया, वॉट कम्स टू योर इमेजिनेशन? ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, आप डे टू डे लाइफ में भी इनका यूज करते हो, सो यू शुड बी एबल टू मेक आउट। इफ आई एम सेइंग 1 meter² एरिया, कितना एरिया, क्या समझ में आता है आपको? एनी वन हु कैन टेल मी समथिंग? बोलो बोलो। टू डायमेंशन, तो बिल्कुल ठीक है, मैंने ये नहीं कहा 2 dimension या 3 dimension की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जैसे 1 meter लेंथ आपको समझ में आई कि इतनी होती है, आपको कोई बोले तो पता है कि इतनी लेंथ होगी तो अप्रोक्सीमेटली 1 meter हो जाती है। अब मैंने पूछा, अगर मैं कहूँ 1 meter² एरिया, तो क्या आप ईयर मार्क कर सकते हो कितना एरिया होगा अप्रोक्सीमेटली, कैसे पता चलता है? मैं आपको कहूँ अपने फ्लोर पे 1 meter² का एरिया मार्क करो, कैन यू? बच्चों 1 meter² की जब हम बात करते हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज लेंथ इज 1 meter। ठीक है जी, अगर मैंने एक स्क्वायर कंसिडर किया जिसकी साइड लेंथ 1 meter है, तो वो जितना एरिया कवर करेगा दैट इज 1 meter². सो आई एम टेकिंग, इफ आई एम टेकिंग approximately, I say this is 1 meter, ये length 1 meter, ऐसे ही ये breadth आपकी 1 meter है, तो अगर मैंने ये square बनाया 1 meter by 1 meter का, इसका जो area होगा ये, this much is your 1 meter² of area, so you should be able to make out, जब हम 1 meter² area की बात कर रहे हैं तो कितना एरिया हम बात करें। ठीक है जी,
इसी तरीके से अब अगर मैं आपसे पूछूं, वॉल्यूम का कौन सा यूनिट है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो? वॉल्यूम का काम आता है डे टू डे लाइफ में कि नहीं? बताओ जी, कहाँ पे यूज कर रहे हो और कौन सा यूनिट यूज करते हो? जब हम कैलकुलेशन में बात करते हैं तब तो हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब इस तरीके की बात करते हैं। डे टू डे लाइफ में भी क्या आप इसी यूनिट को यूज कर रहे हैं या कुछ और यूज करते हैं? अरे बोल दो कुछ नमूनों, कहीं यूज करते हो वॉल्यूम को? कहाँ यूज करते हो बताओ? कोक कोक की बॉटल्स तो सब खरीदते होंगे, क्या यूनिट होता है उसमें? कैपेसिटी क्वांटिटी कैपेसिटी तो वॉल्यूम हो गया कि कितनी, मैं यूनिट की बात कर रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय यूनिट? क्या कहते हो, 1 लीटर की बोतल दे दो, 2 लीटर की बोतल दे दो, 250 ml की बोतल दे दो, ऐसे बोलते हो कि नहीं? सो व्हाट इज यूनिट यू आर यूजिंग? लीटर। तो जब आप डे टू डे लाइफ में वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो जो यूनिट आप यूज कर रहे हो वो आप यूज कर रहे हो लीटर। समझ में आता है? दूध हम कह देते हैं 1 किलो ले आओ या 2 किलो ले आओ, लेकिन होना क्या चाहिए, 1 लीटर और 2 लीटर्स। बट इन जनरल व्हेन वी टॉक अबाउट केजीज में बात करते हैं हम, दूध के लिए या घी के लिए, लेकिन एक्चुअली दे शुड ऑल्सो बी इन लीटर्स। अगर हम वॉल्यूम्स की टर्म में बात करने की बात कर रहे हैं, हम वेट की टर्म में बात करें तो 1 kg ओके, बट वॉल्यूम्स की बात करें तो 1 लीटर। और जब हम यहां पर यूज कर रहे हैं तो हम 1 m³ की बात कर रहे हैं या 1 cm³ की बात कर रहे हैं? अब थोड़ा सा, थोड़ी सी बात सोच के बताना, 1 m³ बिगर यूनिट है या 1 लीटर बिगर यूनिट? कौन सा यूनिट बड़ा? जैसे अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब की बात करूं तो आपको मालूम है मीटर क्यूब बड़ा होगा, मालूम है ना ये तो, और सेंटीमीटर छोटा होगा। तो अब लीटर में और मीटर क्यूब में कौन बड़ा है? 1 लीटर बड़ा है या 1 m³ बड़ा है? अरे तुम तो ऐसे बैठे हो, कब से पढ़ते आ रहे हो वॉल्यूम्स भैया, कुछ तो बोलोगे। लीटर बड़ा है तो फिर पहले एक और बेसिक पे जाती हूँ। जैसे हमने 1 m² एरिया इमेजिन करा, क्या आप 1 m³ वॉल्यूम इमेजिन कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी होगी? मैं कहूं कि 1 गिलास पानी समझ में आता है आपको, 200 ml की बॉटल आपको समझ में आती है, 1 लीटर की बॉटल क्वांटिटी समझ में आती है कि इतना होना चाहिए, ठीक है? अब अगर मैं कहूँ 1 m³, समझ में आता है कितना? क्या बोलो कितना, हाउ मच? जैसे हमने कहा 1 m² एरिया। हाँ जी, कौन बोल रहा था? आ जाओ जरा 10th A से माइक के पास आ जाओ, बात समझ नहीं आई मुझे क्या कह रहे हो। कम नियर द माइक एंड देन टेल मी, 1 m³ वॉल्यूम मींस व्हाट? मीटर क्यूब वॉल्यूम मींस वॉल्यूम विच कैन बी कंटेन्ड इन अ क्यूब हुज लेंथ इज 1 m। कैन यू इमेजिन, 1 m लेंथ, 1 m ब्रेड्थ और 1 m हाइट का अगर कोई कंटेनर है, उसमें जितनी क्वांटिटी आ सकती है लिक्विड की, दैट इज 1 m³। तभी उसका वॉल्यूम 1 m³ हुआ ना। लेंथ, वॉल्यूम क्या होती है आपके पास, एल इन टू बी इन टू एच, या हम क्यूब की बात करें तो एल इन टू एच। अगर तीनों 1 1 1 हो जाएं तो वॉल्यूम 1 m³ बनता है। तो कैन यू इमेजिन कि ये आपका बेस है उस क्यूब का, और इसके ऊपर 1 m की हाइट खड़ी कर दूंगी, उसमें जो क्वांटिटी आएगी वो 1 m³ है। आती कुछ बात बुद्धि में, क्या कह रही हूं मैं? अब क्या बता सकते हो 1 m³ बड़ा है कि 1 लीटर बड़ा है? 1 m³ इज मच मच बिगर एज कंपेयर्ड टू 1 लीटर। 1 लीटर की तो बेचारी इतनी सी बॉटल होती है जो तुम लेकर के आते हो, और 1 m³, 1 m लेंथ, 1 m ब्रेथ, 1 m हाइट का कंटेनर, जो उसके अंदर जो कुछ आ सकता है, दैट इज 1 m³।
तो अब हमारे पास अगर ये दो यूनिट्स हैं तो इनमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिलेशन भी होना चाहिए. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मीटर क्यूब? थाउजेंड लीटर्स कंबाइंड गिव यू द वॉल्यूम एज 1 मीटर क्यूब. दिस बिग इज योर 1 मीटर क्यूब. समझ में आया? 1,000 कोक की बॉटल्स एक जगह इकट्ठी कर दो तो जो वॉल्यूम होगी वो है 1 मीटर क्यूब. ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए डे टू डे लाइफ में हम छोटे यूनिट को प्रेफर करते हैं. हम मीटर्स की टर्म में बात करते हैं, मीटर क्यूब की टर्म में बात नहीं करते हैं. समझे? वन लास्ट थिंग बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ये कन्वर्जन्स करके बतानी है आपने मुझे. 1 मीटर व्हेन कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर क्यूब. फटाफट कर दो जरा, क्या कन्वर्जन फैक्टर्स हैं वो आपने मुझे बताने हैं. बस जी, बस बातें नहीं, जल्दी से बताइए. जी, 1 मीटर व्हेन कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर विल बी 1 मीटर स्क्वायर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और समथिंग एल्स. Thousand. Will it be 1,000 or will it be 10,000? बच्चों, 1 meter square is nothing. 1 meter into. इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलोगे और ऑब्वियसली इसको भी सेंटीमीटर में, एक को मीटर में, एक को सेंटीमीटर में तो नहीं रख सकते ना मैं. तो क्या हो जाएगा? 10 raised to power 4 centimeter square और ऐसे 10,000 centimeter square. So this is 10 raised to power 4. Likewise, 1 meter cube when converted into centimeter cube will be 6. जब आप 1 meter cube की बात करेंगे, 1 meter और इसके अंदर add हो गया तो ये 1,000 centimeter हो गया, तो ये 10 raised to power 6 हो गया. जी, तो जब आप यूनिट्स की कन्वर्जन कर रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल अनाफ कि लीनियर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट है कि क्यूबिक यूनिट है. कन्वर्जन फैक्टर्स में भी उसी तरीके से आपके पास चेंज आए. तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो आप अभी तक की क्लासेस में पढ़ करके आए हो सपोजिटली. अब आपके पास इस बार सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया. सिलेंडर है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर कर दिया. एक एंड पे हेमिस्फेयर कर दिया, एक पे कोन कर दिया, दोनों में हेमिस्फेयर कर दिए. सिलेंडर में से कोन काट दिया, सिलेंडर में से हेमिस्फेयर काट दिया. अब इस तरह की चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी. ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपकी इमेजिनेशन. हाउ डू यू इमेजिन थिंग्स? सपोज मैं कहूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है. इस सिलेंडर के एक एंड से ये एक हेमिस्फेरिकल पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया. ठीक है जी, क्या किया? सिलेंडर था, सिलेंडर के एक एंड में से हेमिस्फेयर बाहर कर दिया. कैन डू फ्रॉम बोथ और आई कैन डू फ्रॉम वन साइड. अब अगर मैं आपसे पूछूं, बातें नहीं करनी है, ध्यान यहां रखोगे तो बात समझ में आएगी, वरना फिर दिक्कत रहती है. अगर मैं आप पूछूं कि मैंने इस सिलेंडर में से ये हेमिस्फेयर बाहर निकाल दिया है, तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एक बात. टोटल सरफेस एरिया,
ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जल्दी से फॉर्मूला बताना है, फटाफट से लिख लो जरा, ऑफिस में माइक पे बुला के पूछूं, फटाफट से लिखो जरा। इसका रेडियस आर है, हाइट एच है, ऑब्वियसली ये भी रेडियस आर का ही कटेगा हेमिस्फीयर। हाँ जी, बोलिए जी। अगर हम वॉल्यूम की बात करें रिमेनिंग सॉलिड की, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? ऑफ रिक्वायर्ड सॉलिड विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये हेमिस्फीयर आपने बाहर कर दिया, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम टू एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बाय थ्री टू बाय थ्री पाई आर क्यूब आई आर क्यूब। क्यूब सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से हेमिस्फीयर आपने रिमूव कर दिया है, का वॉल्यूम था माइनस टू बाय थ्री फाइव। तो बाकी बचे हुए सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा दैट इज दिस वन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में से आपने एक हेमिस्फीयर काट दिया, तो ये सरफेस दिख रहा है आपको, ये सरफेस दिख रहा है आपको, और तीसरा क्या दिख रहा है? अगर इसमें से आपने एक हेमिस्फीयर काट दिया तो ये अपर पार्ट, ये वाला फेस अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नो नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? ये जो हेमिस्फीयर का ये अंदर वाला पार्ट है, ये जो कर्व्ड पार्ट है, यही दिखेगा ना? इमेजिन ये दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, और तीसरी क्या चीज दिख रही है? ये इसके अंदर वाला पार्ट दिख, ये तीन चीजें दिख रही हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका इसमें? टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर एच, ये सिलेंडर के बाहर वाला, ये तो कंप्लीट ऐसे दिख ही रहा है, इसमें तो कोई हमारे को दिक्कत वाली बात ही नहीं। दूसरा क्या दिख रहा है मुझे? ये बेस दिख रहा है कितना? पाई आर स्क्वायर। और तीसरा क्या दिख रहा है? ये इसके अंदर का जो पार्ट, इसमें से जो आपने निकाल दिया है, ये वाला सरफेस तो नजर आएगा आपको, अंदर वाला कितना? टू पाई आर स्क्वायर। सो यू हैव टू बी केयरफुल इनफ, इमेजिन, इसीलिए मैंने कहा इमेजिनेशन हैज टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। क्या कुछ नजर आ रहा है और क्या कुछ नजर नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड योर सर्फेसेस। अब अगर मैं यहां पर आपको पूछती कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर क्या आता? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या सेम आता या कुछ चेंज हो जाता? टू पाई आर टू पाई आर एच, और ये इसका तो ये कर्व्ड पार्ट है ही, इसका मतलब ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है। ये जो नीचे वाला सरफेस है ये फ्लैट सरफेस है, इसकी बात अब मुझे नहीं करनी, मुझे इसका कर्व्ड पार्ट ये जो नजर आ रहा है, और ये हेमिस्फीयर के अंदर का जो कर्व्ड पार्ट है ये। एच
रहा है, तो ये दो चीजें होंगी जो मुझे कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ सिलेंडर में से कौन काट दिया, क्यूब के अंदर सॉलिड क्यूब में से आपने हेमिस्फेयर निकाल दिया या स्फीयर निकाल दिया, सो वही सिर्फ इमेजिनेशन पार्ट पे आपका काम चलने वाला है। ठीक है जी, मॉड्यूल खोलो अपना। हाँ जी, मॉड्यूल 1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फर्स्ट असर्शन रीजन, जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। फटाफट करना जरा, जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बोलिए क्या कह रहा है ये। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज 4:3। मैंने माइक पे बुला करके ये 10th A में, ये जो पीछे तीन बच्चे बैठे हैं ना, सेकंड लास्ट बेंच ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, इन तीनों में से मुझे आंसर चाहिए। फटाफट से कर लो क्वेश्चन और माइक के पास आ जाओ, तीनों में से जो भी आएगा। बॉयज साइड सेकेंड लास्ट बेंच, लास्ट बेंच पे एक ही बच्चा बैठा है, उसके आगे तीन बच्चे जो बैठे हैं उनमें से मुझे आंसर चाहिए। फटाफट से आ जाना जिसका हो जाए, फटाफट क्वेश्चन करो भाई। बड़ी देर से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बातों में ध्यान है, काम में ध्यान नहीं है। अभी तो असाइनमेंट ही नहीं है, और असाइनमेंट अगर मैंने नहीं कहा होता तो असाइनमेंट की जरूरत भी थी नहीं, है ना। क्या जरूरत पड़ी है काम करने की। देव जी, देव इनको असाइनमेंट दो, जरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे ये। चल बेटा आजा, आप माइक के पास आजा, जिसने अभी असाइनमेंट पकड़ी है आगे आजा बेटा, फटाफट जल्दी से उठो और माइक के पास आओ। क्लास में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होना है, जब तक दिमाग क्लास में नहीं है कोई फायदा नहीं है क्लास में बैठने का। पढ़ बेटा असर्शन, माइक ऑन करो पहले अपना, माइक ऑफ। हाँ क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, देन द रेशियो ऑफ देयर सर्फेसेस सरफेस एरिया इज 4:3। बताओ बेटा क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं क्वेश्चन की, कैसे करूं। चलो मैम ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या होती है बेटा। मैम 217 नहीं, तुम्हें नहीं बुला लिया था मैंने, मैं कह रही हूँ बड़ी देर से मैं देख रही हूँ और तुमने अभी भी सुना नहीं है कि क्वेश्चन मैंने कहा कौन सा है करने को। सेंटीमीटर सोचो कि तुम इतनी दूर बैठे हो तो तुम मुझे नजर नहीं आ रहे हो और आई कांट ऑब्जर्व यू। वेट करते हैं टोकने के लिए कि अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े तुम हो गए हो क्लास में, तुम्हें टोका जाए अच्छा नहीं लगता है बार बार, बट डोंट थिंक वी कैन नॉट ऑब्जर्व, वी कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व यू। हाँ जी, इसको बताओ जी कौन सा क्वेश्चन पूछा है, पहले तो ये बता दो इसको। हाँ सेशन रीजन की बात हो रही है बेटा, पहला सेशन पढ़ो जरा क्या है। इफ अ वॉल्यूम ऑफ टू स्क्वेयर्स आर इन अ रेशियो 64:27, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज 4:3। हाँ, अब आपने बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या करूं, मुझे मेथड बताओ कैसे शुरू करूं क्वेश्चन। दो स्फीयर्स हैं, उनके वॉल्यूम्स की रेशियो दे रखी है और उनके सरफेस एरियाज की वॉल्यूम पूछी गई। बोल बेटा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैम
अभी जब से क्लास शुरू हुई है मैं फॉर्मूला के ऊपर ही कहानी पढ़ी जा रही हूँ इतनी देर से। तुम क्या कर रहे थे? कॉपी में वो जो टेबल बनाया था वो कॉपी में बनाया है टेबल आपने? कहाँ है लेके आओ, कॉपी उठा के ला आपने। दूसरे की कॉपी नहीं, अपनी कॉपी। अच्छा हाँ जी, ये कौन देख के बताएगा? ऑनेस्टली कौन देख के बताएगा टेबल बना हुआ कैसी कॉपी में? कौन बता सकता है मुझे ऑनेस्टली? कॉपी किसी और की है। किसी और की है बेटे, दिमाग भी किसी और का ही रख लेता, अपने की जरूरत किधर थी तुझे? मैं भगवान ने भी वेस्टेज कर रखी है देखे तुम्हें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है? स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला चलो इसी में से ढूंढ के ही बता दो, शायद याद ही हो जाए। इसीलिए कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होनी चाहिए, पहले पता तो होना चाहिए देखना कहाँ से है, देखोगे तो तभी। जाओ जी जाओ, सीट पे जाओ, बहुत हो गया आज के लिए, गो टू योर सीट। हाँ जी, स्फीयर की वॉल्यूम क्या, फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर दो स्फीयर्स की बात हो रही है और उनकी वॉल्यूम्स की रेशो की बात हो रही है। कितने दे रखा है ये? 64/27। और पूछा क्या गया आपसे? रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, व्हाट आर सरफेस एरियाज ऑफ अ स्फीयर? फोर पाई आर स्क्वायर, ये चाहिए मुझे। दिस इज गिवन टू मी, और ये कहा गया है क्या ये 4:3 है, ये पूछा गया है मुझसे। बताइए जी, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से कौन बताएगा मुझे, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज असर्शन ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, ये 4/3 पाई कट गया, मेरे पास आया R1 क्यूब upon R2 क्यूब is 64/27। क्या मैं यहां से R1/R2 निकाल सकती हूँ? क्या आएगा R1/R2? 3, बिकॉज 64/27 कैन बी रिटन एज 4/3 का होल क्यूब। सो R1/R2 होल क्यूब, 4/3 होल क्यूब। तो यहां से मेरे पास R1/R2 आ रहा है 4/3। और जब सरफेस एरिया की रेशो की बात करी जा रही है तो ये 4π 4π कट गया, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए R1/R2 का स्क्वायर। अगर R1/R2 4/3 है तो मेरे पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 16:9, बट इट इज गिवन टू बी 4:3। इसका मतलब असर्शन तो हो गया आपका। रीजन की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5R²h। सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो 5R²h होती है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। हाँ नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ अ स्फीयर व्हिच एग्जैक्टली फिट्स इनसाइड द क्यूब इज, मेक इट 6:5। सिर्फ 6 लिखा है, मेक इट 6:5 रेशियो है, तो इट हैज टू बी, क्या कह रहे हैं मुझे? एक क्यूब है, क्यूब के अंदर एक स्फीयर को फिट करना है विच एग्जैक्टली फिट्स इनटू इट। व्हेन आई से एग्जैक्टली फिट्स इनटू इट मतलब जो स्फीयर है वो सारे इन फेसेस को टच करके इसके अंदर पड़ा हुआ है। कैन यू इमेजिन, एक क्यूब है, क्यूब के अंदर एक स्फीयर पड़ा है विच एग्जैक्टली फिट्स इनटू इट। व्हेन आई से एग्जैक्टली फिट्स इनटू इट मतलब ये स्फीयर इसकी साइड्स को टच करके
पड़ा है, छो के छो फेसेस को टच कर रहा है, तो आपने बताना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर मैं क्यूब के साइड को ए सेंटीमीटर एज्यूम कर लूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? हाँ जी, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? ए क्यूब। अब अगर मेरा स्फीयर इसके अंदर बिल्कुल फिट हो रहा है तो व्हाट शुड बी दी रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लाने के लिए मेरे को चाहिए 4/3 πr³, राइट? सो आई शुड नो कि इस क्यूब के अंदर किस रेडियस का स्फीयर फिट होगा। ए, विल ए बी द डायमीटर और विल ए बी द रेडियस? सो रेडियस कितना यहां पर सारा आर को a/2 डालो और रेशियो देखो क्या 6:6 बन रही है? बन रही है तो ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। क्लास की तरह से थके जी। टेक आर एज a/2 एंड सी आर यू गेटिंग 6:2 एज द आंसर और नॉट। इफ यू आर गेटिंग 6:2 एज द आंसर तो फिर आपका असर्शन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। ए क्यूब, ये 4, ये 3 π, आर को a/2 डालें तो ए क्यूब और ये जो 2³ दैट विल गो इन टू द न्यूमिरेटर। ए क्यूब कैंसिल, 4 × 2 = 8, सो 6:2 π। सो असर्शन तो हो गई मेरी, व्हाट अबाउट द रीजन? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 πr³, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। करेक्ट है, और यही दो चीजों को यूज करके हमने इस आंसर को जस्टिफाई भी किया। असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट इज व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी ए। अब थर्ड को जरा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, पहले बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर। ये तो सिंपल सी बात है, ये दो हेमिस्फीयर हैं, दोनों को सेम रेडियस के हैं, इनको अलोंग बेस अगर हम ज्वाइन कर दें तो मुझे स्फीयर मिल जाएगा। इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं है। सो असर्शन तो हो गया। अब बात करनी है मुझे रीजन की, दैट इज इंपॉर्टेंट। हर वर्ड बड़े ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है ये? एन ओपन टैंक। जब भी ये ओपन क्लोज्ड के वर्ड्स आ जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या कहा जा रहा है मुझे? एक एन ओपन टैंक इज मेड ऑफ द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। मेरा टैंक जो ओपन है, मतलब यहां पर आपके पास ऊपर कोई सरफेस नहीं है, खुला सरफेस, विद अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, ऐसा कुछ है मेरे पास। हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड मतलब, अब मैंने क्या किया, ऊपर से तो खुला है, सिलेंड्रिकल शेप थी, ऊपर से खुला और नीचे से एक हेमीस्फेयर काट दिया मैंने इसमें। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ये सिलेंडर है, ये ऊपर वाला फेस है नहीं, ये खुला और नीचे से एक हेमीस्फेयर मैंने इसमें से काट दिया। अब आपको पूछा गया, आपको सिलेंडर के हाइट, रेडियस, ये सब कुछ दिया है और टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। सोच समझ के आंसर करना, इज इट करेक्ट और नॉट, जो भी दे रखा हूं। फिर से इमेजिन करो कि जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कौन सा सरफेस मुझे नजर आ रहा है? व्हाट ऑल सर्फेसेस कैन आई सी? अगर मेरे पास ये सिलेंडर है, इसके ऊपर वाला ये ढक्कन नहीं है और नीचे से एक स्फीयर, हेमी स्फीयर मैंने काट दिया, तो आपको क्या क्या कुछ नजर आ रहा है?
इसका कर्व सरफेस समझ में आया, दैट इज 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर, कहां से आएगा पाई आर स्क्वायर, वही तो, इसीलिए तो मैंने कहा क्या कहा गया यहाँ पर, ओपन टैंक है, इसका मतलब ऊपर का सरफेस तो है ही नहीं। यस, ये सरफेस तो है ही नहीं, दिस इज ओपन एट दिस एंड, सो यू फॉर सिलेंडर यू कैन सी ओनली दिस पार्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ओनली दी कर्व्ड पार्ट, और फिर दूसरा क्या नजर आएगा, ये सिलेंडर के नीचे से इस तरीके से ये हेमी स्फीयर इसके अंदर घुस जाए और मैंने इसको काट दिया, तो इसका क्या पार्ट नजर आएगा, इसका भी कर्व्ड पार्ट नजर आएगा, इसका कर्व्ड पार्ट क्या हो गया, 2π स्क्वायर, 2πr बाहर निकाल दो, h प्लस r, जब भी कैलकुलेशन करने लगते हो पहले फॉर्मूला लिखो, जो कुछ कॉमन निकल रहा है बाहर निकाल दो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब इसमें r h आपको दे रखे हैं, वैल्यू डालो और देखो जरा क्या आंसर बन रहा है, एक बात। दूसरी बात, बी वेरी वेरी केयरफुल, हाइट आपको दी है 1.45 मीटर और रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर। जब भी आप सरफेस एरिया वॉल्यूम पर जा रहे हो, कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या तो आप इसको सेंटीमीटर में ले जाओ या तो इसको मीटर में ले जाओ, चॉइस आपकी है। वैल्यूज डालो और मुझे बताओ क्या जो ये आंसर दे रखा है 3.3 मीटर स्क्वायर, इज इट करेक्ट और नॉट। ये 2/7, आर इज 30 सेंटीमीटर, एच है 1.45 मीटर, इफ आई कन्वर्ट इन टू सेंटीमीटर क्या मिलेगा मुझे, 145, और 30 है आर, 2 × 22/7 × 30 × 175, 175 और 7 क्या कैंसिल हो जाएंगे, सेवन टू जा 14, 7 5 जा 35, 44 × 30 × 25, 44 × 750, बोलिए जी कितना आ रहा है, 44 × 750, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे आंसर किसमें चाहिए, मीटर स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू मीटर स्क्वायर, किससे डिविजन, 100 से या 10,000 से, और अगर ये है तो ये 3 जीरो आपकी कट गई, सो आंसर इज 3.3 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट टू है वो भी ट्रू है, वन भी ट्रू है, और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो आंसर इज बी पार्ट। ठीक है बच्चों, ओके जी, आज अभी यहीं तक हम करेंगे, अगली क्लास में वी विल गो फॉर एमसीक्यूज। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।